अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो सबसे जो ज्यादा तवज्जो तलब है, जो आपके प्रैक्टिकली काम आने वाला है, वो ये टॉपिक है, टैकलिंग ओवर फिटिंग और प्रिपेयरिंग डेटा फॉर डीप लर्निंग। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है फोर ब्रांचेस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की चार ब्रांचेस जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो हमने जो काम किया अभी तक, बाइनरी क्लासिफिकेशन किया, मल्टी क्लासिफिकेशन किया, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और स्केलर रिग्रेशन, जो पिछले तीन एग्जांपल्स हमने किए। ये कहते हैं ऑल थ्री आर इंस्टेंस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। कोई बता सकता है व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग? जिसके अंदर हम अपने मॉडल को डेटा के साथ साथ लेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। तो ये कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो क्या है? आइसबर्ग की टिप है। क्या कहना चाह रहे हैं? जितनी भी आइसबर्ग की टिप सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं है यार, वो ये कहना चाह रहे हैं जितनी सुपरवाइज्ड लर्निंग का डोमेन है मशीन लर्निंग में, एआई में, वो इतना ही बड़ा है जितना बड़ा एक आइसबर्ग और उसके मुकाबले में उसकी टिप, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं आटे में नमक के बराबर, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत सारी मिसालें होती है ना, तो उस तरह है। तो वही ऐसा मैं कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने अभी तक जीरा भी सही से नहीं पढ़ाया, काम नहीं किया ना यार, 6 महीने हो गए। मैंने तो अजीम कर लिया कि आपने कहा, आपने इजाजत दी है, इसलिए मैं आप सबको जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग का चीता तसव्वुर कर रहा हूं। ठीक है, मशीन लर्निंग इज अ वास्ट फील्ड विद अ कॉम्प्लेक्स सब फील्ड टेक्सोनॉमी। मशीन लर्निंग जनरली फॉल इनटू फोर ब्रॉड कैटेगरीज। जितने भी एल्गोरिथम्स मशीन लर्निंग के हैं वो चार मुख्तलिफ कैटेगरीज में इसमें फॉल हो रहे हैं, और वो क्या है? सुपरवाइज लर्निंग। काफी सारी बातें हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में जानते हैं, तो टारगेट्स को यहाँ नया नाम दिया है। क्या नाम है वो? लेबल्स का नया नाम आज सुन रहे हैं, एनोटेशन। जो भी डेटा का लेबल है वो क्या कहलाता है? एनोटेशन कहलाता है। और गिवन अ सेट ऑफ एग्जांपल एनोटेटेड बाय ह्यूमंस। अभी तक जितना भी डेटा लेबल होता है वो कौन एनोटेट करता है? ह्यूमंस एनोटेट करते हैं। कोई चीज मैं आपको दिखाता हूँ पहली बार तो बताता भी हूँ ना यार ये क्या चीज है, राइट? तो ये एनोटेशन जो है वो ह्यूमन एनोटेशन होती है। ऑल फॉर एग्जाम्पल्स यू हैव एनकाउंटर्ड इन दिस बुक सो फार कैनोनिकल एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ये बड़ी कैनोनिकल एग्जाम्पल्स थी। कैनोनिकल किसे कहते हैं? कैनन किसे कहते हैं? सर लॉस को, रूल्स जो रूल्स होते हैं, लॉस होते हैं, कैनन कहते हैं, द कैनन्स ऑफ रेगुलेशन। पहले इसको मैं यूं कहता हूं कि ये सीखने के लिए बहुत सिंपलीफाइड और स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो एग्जांपल थी, जिसने कह रहे हैं रूल्स वाली एग्जांपल थी या इस तरह थी। Generally, almost all applications of deep learning that are in the spotlight these days belong to this category. आज जितना भी काम हो रहा है deep learning के अंदर वो इसी category में हो रहा है। किस category में? Supervised learning category में, such as optical character recognition, OCR। किसी नाम सुना है? What is OCR? बताएं जल्दी से। Text को read करना, text को समझना, convert करना। ठीक है, आपके ख्याल में कैसी field है? किस काम आएगी? कहाँ implementation है? जितना भी प्रिंटिंग मटेरियल है
वो सारा का सारा अगर अभी आपको सॉफ्ट कॉपी में ले जाना, सब टाइप करना होगा। ठीक है, इमेजेस के थ्रू इमेज को रीड करके बता भी रहा है कि यार इस इमेज में क्या है, उसके बाद पूरा ऐसे लिख रहा है, पूरा पैराग्राफ लिख रहा है। इवन के जो जितना भी सारा हमारे पास डेटा अभी टेक्स्ट में मौजूद है, प्रिंट फॉर्म में मौजूद है, उसको सॉफ्ट कॉपी में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है OCR के थ्रू। क्या डेटा क्या करें, डॉक्यूमेंट को स्कैन करें या सिस्टम को कैमरे के आगे दिखाएं और गूगल उसको पढ़ना शुरू कर दे क्या पढ़ रहा है। जैसे आप मुझे, मैं ये पढ़ रहा हूँ डॉक्यूमेंट, तो ये ह्यूमन OCR है ना, कैरेक्टर को देख रहा हूँ, रिकोगनाइज कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। सिस्टम अगर इस काबिल हो जाए तो पूरी बुक उसको दिखाऊँ, पढ़ता रहे और लिखता रहे, सेव भी होती रहे और सारी चीजें हो जाए। इसका फायदा क्या होगा, बहुत से फायदा, बिजनेस भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, स्लिप्स प्रोसीड करनी है, ये करनी है, वो करनी है, उस पे से पहले जैसे पिछले दिनों कौन मुझसे डिस्कस कर रहा था, OCR का प्रोजेक्ट कर रहा था, कोई और है, क्योंकि उन्होंने OCR के थ्रू जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को रीड करेंगे और बंदे की हिस्ट्री होगी, वो सिस्टम उससे बताएगा ये आपके लिए हेल्दी फूड है या नहीं, आप ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते। जितना सोचते जाए बहुत इम्प्लीमेंटेशन जो है वो निकलती जाएगी, तो आप सब भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 चैप्टर खत्म कर दें। अच्छा जी, तो OCR के बाद स्पीच रिकॉग्निशन है, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना। जाहिर है अभी हम देख रहे हैं सारा वॉइस इंटरफेस बन गया है, उस पर आप बोल रहे हैं, आपकी डिवाइस आपकी जबान को समझ रही है, उसके मुताबिक जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, समझते हैं इस चीज को, किस किस तरह हमारे यहाँ पर इवेल्युएशन हुआ। काली स्क्रीन से निकले हम, कमांड लाइन पे कमांड लिखते थे, CLI कहलाता था ना, कमांड लाइन इंटरफेस, या आपको छोटा सा काम करने के लिए भी लंबी टेक्स्ट कमांड लिखनी पड़ी। फिर उसके बाद आप GUI में आ गए, उसके अंदर आपने बटन पे क्लिक किया, कमांड खुद ही चल गई। अब आपको क्लिक करने से भी जो है ना आप थक जाते थे, बड़े कौन क्लिक करे, अब आप बोल के कर लेंगे भाई, कॉपी पेस्ट हो गई। ठीक है, और उससे भी ज्यादा अब आपके गेस्चर रिकॉग्निशन भी आ गए, बोलना भी नहीं पड़ेगा। यूं कर रहा है। ठीक है, फेसबुक अभी ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, यूं कर रहेगा, लाइक हो जाए, कोई गेस्चर का कोई इशारा बना लेंगे, लाइक हो गई, एंग्री, सारी चीज हैं। वो अलग कहानी है, वो इतना वो नहीं है, अभी वो सिर्फ किताबी बात है, ब्रेन सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज क्लासिफिकेशन ये तो आपने कर ही लिया। ठीक है, और आपने करी ना, मैंने तो कर ली। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये बहुत बड़ा डोमेन है, जो बहुत ज्यादा जो है ना वो उसमें काम भी होगा और फायदेमंद चीज भी है। क्यों, दुनिया की जितनी किताबें हैं सारी उर्दू में ट्रांसलेट हो जाए, हम सारा मसला हल हो जाए। अभी हम अंग्रेजी में किताब पढ़ते हैं तो क्या होता है, 90% तो हम इसी में खप जाते हैं कि यार क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो समझेंगे बाद में। ठीक है, तो अगर हम किताबें हमें उर्दू में हमारी जबान में मिल जाए, आसान जबान में, तो हम जितना टाइम हमें उसको ग्रामर को और इंग्लिश को और वोकैबुलरी को समझने में लगता है, वो काम हम कॉन्टेक्स्ट को समझने में लगा दें तो हम ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं ना। अभी ये प्रॉब्लम तो होती है ना, हम सेंटेंस पढ़ते हैं पहले समझते हैं इंग्लिश में क्या है, इसके मीनिंग क्या है, ये हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वो 1 घंटे की स्टडी जो एक्चुअली 15 मिनट की स्टडी होगी। चाइना वाले तरक्की करते हैं, कर गए, क्यों कर गए, उनका सारा मटेरियल ऑफ स्टडी क्या हो गया, चाइनीज हो गया, सारे दुनिया के रिसर्च पेपर किताबें सारी फटाफट वो जैसी आती है चाइनीज में ट्रांसलेट मारते हैं। अभी ये ट्रांसलेशन इनके पास आ जाएगी तो मजा आ जाएगा, हम भी जो है ना उस पर काम कर सकते हैं, उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर, लेकिन उसके लिए जा रहे काफी रिसर्च चाहिए, इन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर बने, सारा डेटा हो, काम वैसे हो रहा है, उर्दू पे तो हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद क्या क्या टॉपिक्स जो है वो अभी सुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या फील्ड्स जो है वो कवर अप हो रही हैं, जैसे ये कह रहे हैं सीक्वेंस जनरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं गिवन अ पिक्चर प्रिडिक्ट अ कैप्शन डिस्क्राइबिंग इट, एक पिक्चर दे दी और वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, कैप्शन लगाएगा कि ये बर्थडे पार्टी हो रही है, ये किसी की मौत हो गई है, ये कोई पिकनिक पॉइंट है, ये क्लास हो रही है, ठीक है, खुद लेबल दे रहा है, जैसे गूगल ड्राइव पे मैंने सारी तस्वीरें डाली हुई अपनी, ठीक है, जब मैं लिखता हूँ बर्थडे की तस्वीर ले आओ, तो वो सारी की सारी बर्थडे, मैंने लेबल नहीं किया तस्वीरों को बर्थडे की तस्वीर, वो खुद ही पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके ले आ, ठीक है, मैं कहता हूँ यार सेमिनार हो तो आप लोगों की तस्वीरें डली हुई, वो क्या ले आता, बड़ी बड़ी जो क्लास हो रही है सेमिनार टाइप से जो लग रहा है वो उसके ले आता, करके देखिए। सिंटेक्स ट्री प्रिडिक्शन, गिवन अ सेंटेंस प्रिडिक्शन डिकम्पोजिशन इनटू सेंटेक्स ट्री, एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस देने के बाद वो आप उसकी ट्री प्रिडिक्ट कर लें कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सारी चीजें, कोई बोल रहा है कुछ, क्या बोल रहे थे, हमसे भी शेयर कर ले, थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी भाई। ऑब्जेक्ट डिडक्शन, ऑब्जेक्ट डिडक्शन हो रही है इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर कोई किसी न्यूरल नेटवर्क की किसी की बात नहीं, ये अभी डोमेन का है, वो डोमेन है जिसपे हम डेटा के साथ लेबल भी देते हैं, तो अब वो किस तरह से हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी से हो रहा है, वो अलग चीज है। ऑब्जेक्ट डिडक्शन होती है, गिवन अ पिक्चर ड्रा बाउंसिंग बॉक्स अराउंड अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ पिक्चर, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कि आप किसी पिक्चर दिखा दें बहुत सारी चीजें नजर आ रही है इसके अंदर, ये फला पिक्चर कहाँ है, ये बंदा इसके अंदर है या नहीं है, जी हाँ। तो गिवन मेनी कैंडिडेट बाउंसिंग बॉक्स क्लासिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच वन एज अ जॉइंट क्लासिफिकेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम वेयर द बाउंसिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स आर प्रिडिक्टेड वेयर वेक्टर रिग्रेशन, अच्छा एक से ज्यादा पिक्चर भी एक साथ हो सकती है, हमने रिग्रेशन अभी सिंपल रिग्रेशन पढ़ा, इसके अंदर रिग्रेशन एक चीज और होती है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर रिग्रेशन। इमेज सेगमेंटेशन, गिवन अ पिक्चर ड्रॉ पिक्सल लेवल मास्क ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पिक्चर लेवल मास्क लगाना ऑब्जेक्ट के ऊपर, ट्रांसपेरेंट मास्क लगा देते हैं किसी चीज के ऊपर, कॉपी ना कर सके कोई इसको, कॉपीराइट का मास्क लगा दिए सारी, वाटर मास्क की तरह। तो बहुत सारी ये काम जो है वो ऑल डन इन सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या चीज है, अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ क्या होगा, डेटा डेटा होगा, लेबल्स वगैरह कुछ नहीं होगा। ये जो काम है, दिस ब्रांच ऑफ मशीन कंसिस्ट फाइंडिंग इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट डेटा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टारगेट्स फॉर द पर्पस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा कंप्रेशन एंड डेटा डीनोइजिंग और बेटर अंडरस्टैंड ऑफ कोरिलेशंस प्रेजेंट इन द डेटा इन हैंड, ये सारा डेटा साइंस का काम इसके अंदर होता है, न्यूमेरिकल डेटा का सारा काम जो है वो इसमें हो रहा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डेटा को प्लॉट कर दिया, डेटा के दरमियान कोरिलेशन निकाल लिया, ठीक है, उनकी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर ली। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज ब्रेड एंड बटर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, क्या कहा उन्होंने, डेटा एनालिटिक्स सारा का सारा क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का ही काम है, ठीक है, जो आपने सारा नंपाई में और पांडास में किया है डेटा एनालिटिक्स, वो सारा का सारा अनसुपरवाइज था, वहां कोई लेवल शेवल का जिक्र तो नहीं था, खाली डेटा ही डेटा था, डेटा के अंदर जा रहा, डेटा माइनिंग सारा इसके अंदर आता, ठीक है। इसके अंदर फिर एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होते हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, के मीन क्लस्टरिंग है, ठीक है, और यहाँ ये बात कहता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन एंड क्लस्टरिंग आर वेल नोन कैटेगरीज ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो एक कैटेगरी है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, डायमेंशनैलिटी क्या चीज होती है, फीचर्स, ठीक है, के फीचर्स को रिड्यूस कर दिया जाए। अच्छा अब ये चीज क्या है, ठीक है,
देखें कि किसी ऑब्जेक्ट के फीचर्स कम होना फायदेमंद है या ज्यादा होना फायदेमंद है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए या उस पर कोई डिसीजन लेने के लिए। सवाल कहीं लेना, मैं सवाल क्या मुझे थोड़ा, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि फीचर ज्यादा हो तो हमारे लिए फायदेमंद। यार ये प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे फीचर हैं, ये भी ये भी ये भी, यार एक इसके बारे में आपको ये कुछ बताइए, बहुत सारे फीचर्स के बारे में पता। अच्छा अगर यूं ही समझ में आएगा तो फिर मैं आपको मैं मेरा सवाल सिर्फ ये, फीचर ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है, रिलेटेड अनरिलेटेड और कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा। जी कम वाले कितने लोग, ज्यादा वाले, बाकी लोग ज्यादा वाले, कुछ लोग ऐसे कम फीचर होने नहीं चाहिए, ठीक है जो कुछ भी नहीं कह रहे। देखिए मशीन लर्निंग की टर्म्स में फीचर्स डायमेंशनैलिटी इज अ कॉस्ट, फीचर्स का ज्यादा होना ये मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए एक कॉस्ट, कॉस्ट समझते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लें तो कहते हैं गुना है ना, जितने ज्यादा फीचर्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा रियल लाइफ में भी जितने ज्यादा फीचर्स होते हैं डिसीजन लेना या उस चीज को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी किसी ने मुझसे जोक शेयर किया था, याद आ गया उससे, तो मैं पढ़ता हूं फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। वो अच्छा जी असल में इसलिए पढ़ रहा हूँ रिलेटेड है ना, वरना तो नहीं पढ़ता। अच्छा जी मोहम्मद अली तुम्हारे लिए, ये कहते हैं यार वक्त पर शादी के लेनी चाहिए, ठीक है नखरे नहीं वरना, कहते हैं मेरे मोहल्ले में मास्टर अतीक साहब रहते थे, 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियां नोट की जो मेरी मुतवक्का बीवी में होनी चाहिए, वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी। फीचर ज्यादा है जिसमें 40 खूबियां हो और मास्टर अतीक हर साल एक खूबी को काटते रहे, चलो ये खूबी ना हो तो ये खूबी तो लड़की कबूल है। बिलाखिर 40 साल ये हो गए तो और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रहेगी कि औरत हो, ठीक है भाई। अब आप ही अगर मोहम्मद अली को भी जो है ना वो, या किसी लड़की को भी जो है ना वो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना है, फीचर हो गया यार नहीं ठीक है यार, हैंडसम सी सैलरी हो, इतनी हाइट हो, ऐसा रंग रूप हो और ये, तब तो मैं शादी करूंगी। अब घर वाले ढूंढने लगे तो कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा यार, कुछ फीचर्स क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा फीचर्स हो जाते हैं तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो ये वाली बात है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के अंदर जो है ना वो अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो काम करती है, कोई ऐसी जगह है ऐसा डेटा है जिसकी फीचर्स बहुत ही ज्यादा हैं, तो फिर वो आप क्लस्टरिंग के थ्रू, नेबरहुड क्लस्टरिंग के थ्रू, के मीन के थ्रू आप क्या करते हैं उनको ग्रुप करके जो है ना वो सेम फीचर्स की एक तरफ करते हैं, फला फीचर्स की एक तरफ करते हैं और ग्रुपिंग करके जो है ना किसी एक दायरे में उनको ले आते हैं, तो आपकी डायमेंशनैलिटी जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जितने ज्यादा फीचर होंगे डायमेंशनैलिटी से, आप याद रखिए हमने 3 डायमेंशन पढ़ा है, 5 डायमेंशन पढ़ा है, जिस तरह आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको 1000 डायमेंशनल एरे भी होगी, ठीक है ना, 60,000 डायमेंशनल एरे भी होगी, बहुत ज्यादा डायमेंशनलिटी होती है। जितनी ज्यादा डायमेंशनलिटी होगी सॉल्व करना क्या होगा,
प्रॉब्लम हो जाएगा वो आपने देख लिया। अच्छा जी, तो अनसुपरवाइज लर्निंग जो डोमेन है ज्यादातर वो किसका है? डेटा एनालिटिक्स का है, राइट। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग ये डोमेन नहीं था, ये नया इंट्रोड्यूस कर दिया है, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। दिस इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग बट इट्स डिफरेंट इनफ दैट इट डिजर्व्स इट्स ओन कैटेगरी। लेकिन इतना डिफरेंट है कि इसको अलग अपनी कैटेगरी बना दिया गया। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग इज सुपरवाइज लर्निंग विदाउट ह्यूमन एनोटेटेड लेबल्स। इसके अंदर लेबल्स तो होते हैं लेकिन ह्यूमन उनको एनोटेटेड नहीं करते। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्स कौन एनोटेट करता? ह्यूमंस एनोटेट करते हैं। इसके अंदर मॉडल खुद लेबल भी लगाएगा, राइट। यू कैन थिंक ऑफ इट्स एज सुपरवाइज लर्निंग विदाउट एनी ह्यूमन इन द लूप। ये ऐसी सुपरवाइज लर्निंग होगी जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होगा। देयर आर स्टिल लेबल्स इन्वॉल्व, लेकिन इन्वॉल्व है लेबल फिर भी, बिकॉज द लर्निंग हैज टू बी सुपरवाइज्ड बाय समथिंग। कोई ना कोई तो उसको सुपरवाइज कर रहा होगा इंसान के अलावा, बट दे आर जनरेटेड फ्रॉम द इनपुट डेटा। लेकिन वो लेबल भी डेटा से ही जनरेट होंगे, टिपिकली यूजिंग ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम पढ़ा है किसी ने? फॉर इंस्टेंस ऑटो इनकोडर्स आर अ वेल नोन इंस्टेंस ऑफ सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा जी, ह्यूरिस्टिक है और ये ऑटो इनकोडर्स हैं, ये भी रिसर्च लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, डेवलपमेंट लेवल के लिए अवेलेबल नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें। वेयर द जनरेटेड टारगेट्स आर द इनपुट अनमोडिफाइड इन द सेम वे ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट फ्रेम इन अ वीडियो गिवन द पास्ट फ्रेम। वीडियो चल रही है, अगला सीन क्या होगा, ये भी सिस्टम प्रिडिक्ट। अजीब है लेकिन है मुझे की चीज। भाई आप भी तो करते हैं ना यार, हीरो मर जाएगा, छुड़ा लेगा नहीं छोड़ेगा, ये जिंदा बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा, ये आप भी प्रिडिक्ट करते हैं ना? क्यों प्रिडिक्ट करते हैं? सारा पिछली फिल्म का कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में होता है, वो जब कोई बोलता है कि अगली मैंने देखी ये होगा उसको बाहर बता देते, निकल जाना देता है जो है ना, सारा मजा खराब कर रहा है। तो ये भी आप भी तो करते हैं ना, देखिए हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हर वो इंटेलिजेंट पार्ट जो इंसान के अंदर है, रिसर्चर्स बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि वो मशीन भी उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दे। ऐसे एल्गोरिथम बना रहे हैं कि वो सारी चीजें मशीन भी उस तरह आहिस्ता 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 काम करने लगे, समझ रहे? तो ये भी एक इंटेलिजेंट पार्ट होता है ना, एक स्कोलेस्टिक इंटेलिजेंस है ना, कि यार आप फिल्म देख रहे हैं यार, यहां तक की फिल्म देख ली, या जैसे ही कोई खतरनाक सीन आता है 9:45 बजे ड्रामा खत्म हो जाता है, अगले हफ्ते इतवार के दिन वो ड्रामा आया। आजकल तो अब आपके दौर में, आप लोगों के दौर में खुश रहे कि जो है ना वो 100-100, 200-200 किस्तें होती है। जब हम लोग ड्रामे देखते थे ना पीटीवी में, तो 15 किस्तों का और 16 किस्तों का होता था, हफ्ते में एक बार आता था 8-9 के दरमियान। अब एक हफ्ते जो है ना वो एंशियसली वेट करते थे यार, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट किस्त में, जो है ना वो क्या होने वाला है, याद है किसी को? किस किस को याद है? कोई नहीं, खड़ा अंदाजा कर रहा हूँ मैं भी, जो है ना वो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, हाथ उठा रहे हैं, उम्रें प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रिडिक्ट करते थे ना, गैस करते थे यार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी फिल्म भी देख रहे होते हैं यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट फ्रेम भी क्या करें, प्रिडिक्ट करें, ठीक है। कौन सी लर्निंग है ये? सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग है। दिखाएं नहीं, वो RNN में होता है, वो उसमें होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नहीं क्या कहते हैं उसको, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में होता है, सीक्वेंस प्रिडिक्शन में, और जो है ना वो 2-3 तरह की और एग्जांपल्स हैं, बताता हूँ नाम सीक्वेंस का, आसान से नाम रखेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो कैसी लर्निंग होती है, ये एक ऐसी लर्निंग होती है जिसके अंदर ना डेटा के बारे में कुछ पता होता है, ना लेबल के बारे में कुछ पता होता है,
बस ये पता होता है यार ये काम करना है, कोई आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कभी सत्संग यूनिवर्सिटी नहीं आए थे? बहुत सारे लोग, ठीक है। जब आप सत्संग यूनिवर्सिटी आए थे तो क्या उस वक्त आपको पता था कि एडमिन ऑफिस कहाँ है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्लास कहाँ होगी, ये ऑडिटोरियम कहाँ है? कुछ भी नहीं पता था, बस आपको पता था कि यूनिवर्सिटी जाना है, या ये भी नहीं पता था घर बैठ के सबसे यूनिवर्सिटी है कहाँ, ठीक है। तो वी नो नथिंग अबाउट डेटा एंड लेवल्स, पर इतना पता था कि यार डेटा है। फिर आप जैसे तैसे किसी से पूछा आपने घर पे कि भाई अबू ये सबसे यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये गूगल किया सबसे यूनिवर्सिटी कहाँ है, दोस्त से पूछा सबसे यूनिवर्सिटी कहाँ है, उनका फला जगह है। अच्छा कौन सी गाड़ी जाती है, ये बस जाती है, ये बस जाती है, कहाँ उतरना पड़ेगा, यहाँ से उतर के लेफ्ट जाना पड़ेगा। अच्छा ये तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप इससे पूछ रहे हैं, लेकिन आप इससे पूछते नहीं और खुद ही निकल पड़ते हैं। आप देखा यार ये बस जाती है, ठीक है, अब आप बस से बैठे आ गए। अब आप जब निकल पड़े घर से तो यू आर नाउ इन द एनवायरमेंट, अब आप किसके अंदर है, जब आपने ये डिसीजन लिया कि सबसे यूनिवर्सिटी जाना है तो यू आर नाउ इन द एनवायरमेंट। अब आप एनवायरमेंट के अंदर आके एनवायरमेंट से क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, ऑब्जर्व करके लर्निंग करते हैं, एनवायरमेंट में रह के लोगों से पूछते हैं। जब आपने डिसीजन ले लिया तो यू आर नाउ एनवायरमेंट। अब आपने अबू से पूछा गाड़ी कौन सी जाएगी, गूगल किया, ये किया, यहाँ आ गए यूनिवर्सिटी में आ गए, गेट पे आ गए, तो कहता वाला सबसे यूनिवर्सिटी यार, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब आपको नहीं पता यार कहाँ ऑफिस वगैरह, आपने देखा यार देखो लाइन लगी हुई, ठीक है लाइन में लग गए, आधे घंटे बाद नंबर आया 15, ये तो फॉर्म की लाइन, ठीक है। देखिए लर्निंग तो होगी, फिर बोल रहा नहीं ये वाली लाइन फॉर्म की, अच्छा भी ये फॉर्म यहाँ से ले लिया, ये आपको पहले से कुछ भी नहीं पता था, डेटा के अंदर आप क्या हो चुके, उतर चुके हैं, डेटा किस टाइप का होगा, वहां लोग कैसे होंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं। अब आप इन्वायरमेंट में हैं और खुद ही कुरेद रहे इन्वायरमेंट को, अब आप फॉर्म तो ले लिया, भर भी लिया, जमा कराना है, नहीं पता आपको। अब या तो आप ढूंढते रहे, हर जगह जाते रहे कहाँ फॉर्म जमा हुआ है, ठीक है। इसको इस तरह की लर्निंग में ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल होता है एजेंट का, क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, एजेंट का। एजेंट जो है वो कोई एक्शन लेता है, एक्शन के अगेंस्ट में अगर वो एक्शन सही है उसे रिवॉर्ड मिलता है, क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। ये थ्योरेटिकल एआई है सारी, ठीक है, ये सारी थ्योरेटिकल एआई में इसी तरह उसे रिवॉर्ड मिलता है प्लस में, गलत एक्शन लेता है माइनस होता है रिवॉर्ड, ठीक है। तो वो सारे रिवॉर्ड उसे मिलते जाते हैं और डिसीजन सही लेता रहता है, रिवॉर्ड मिलते जाते हैं, डिसीजन सही लेता रहता है, रिवॉर्ड मिलते जाते हैं, और आखिरकार वो अपने टारगेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस सारे केस में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ना डेटा की नॉलेज थी कि क्या सीन होगा वहां पर, ना कोई लेवल का पता था कि ऑफिस कहाँ होगा, अरे डेटा का नहीं पता, लेवल में क्या पता होगा, ठीक है। तो ऐसी जो लर्निंग होती है वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती है। जितनी भी अब इंटेलिजेंट गेमिंग हो रही है वो सारी की सारी इस पर डिपेंड करती है, लेकिन बहुत कम इसमें काम हुआ है, बहुत कम काम इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं लॉन्ग ओवरलुक्ड, ये काफी अरसे से इसको भुलाया हुआ है, इसमें लोग काम नहीं कर रहे, ओवरलुक्ड हुई है। दिस ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग रिसेंटली स्टार्टेड टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन आफ्टर गूगल डीप माइंड सक्सेसफुली अप्लाइड इट टू द लर्निंग टू प्ले अटारी गेम्स। जब गूगल डीप माइंड की जो टीम है उन्होंने जब इसको इंप्लीमेंट किया अटारी गेम्स के ऊपर, तब इसमें थोड़ी जान पड़ी कि यार ये भी कुछ इस पे काम हो सकता है। एंड लेटर लर्निंग टू प्ले गो एट द हाईएस्ट लेवल। इन द रीइंफोर्समेंट लर्निंग एन एजेंट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एनवायरनमेंट एंड लर्न्स टू चूज एक्शंस दैट विल मैक्सिमाइज सम रिवॉर्ड, ठीक है। कि वो एनवायरनमेंट में जाएगा, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और लर्न करेगा कि कैसे कौन से एक्शन चूज किए जाए जिसपे रिवॉर्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। फॉर इंस्टेंस अ न्यूरल नेटवर्क दैट लुक्स एट अ वीडियो गेम स्क्रीन, एक नेटवर्क जो वीडियो गेम स्क्रीन को देखता है एंड आउटपुट्स गेम एक्शंस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज स्कोर, और गेम के एक्शन को, कोई गेम खेला जा रहा है
वो गेम इंसान नहीं खेल रहा, कोई रोबोट खेल रहा है या कोई नेटवर्क खेल रहा है, कोई मॉडल आपने बनाया वो गेम को खेल रहा है। अक्सर ही सुनते हो ना फला तो फला गेम में हरा दिया, रोबोट को हरा दिया, इंसान को हरा दिया, उसने इसको हरा दिया। तो वो जब आप भी गेम खेल रहे होते हैं, कोई गेम पहली बार जब आप खेल रहे होते हैं, तो यू नो नथिंग यार, जाना क्या उसकी चीट शीट भी नहीं होती आपके पास। खेलते हैं ना गेम सब लोग। तो वो क्या करता है, फॉर इंस्टेंस अ न्यूरल नेटवर्क दैट लुक्स एट अ वीडियो गेम स्क्रीन एंड आउटपुट्स गेम एक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स स्कोर। अब वो उसने क्या करना है, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, आउटपुट क्या है उसका, क्यों एक्स एक्शन लेना है कि मेरा स्कोर क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। कैन बी ट्रेन वेयर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो ऐसा गेम जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ही जो है वो ट्रेन होता है। अच्छा, क्योंकि अभी डीप माइंड वाले ने सिर्फ गेम पे काम किया, तो सिर्फ गेम की बात की और कहीं डोमेन में काम इस पे इतना हो नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये इमर्ज होगी। करेंटली रीइंफोर्स्ड लर्निंग इज मोस्टली अ रिसर्च एरिया, अभी सिर्फ क्या रिसर्च एरिया ही है, एंड हैजंट येट हैड सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल सक्सेस बियॉन्ड गेम्स। इन टाइम्स हाउएवर वी एक्सपेक्ट टू सी रीइंफोर्स्ड लर्निंग टेक ओवर एन इंक्रीजिंगली लार्ज रेंज ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड सो ऑन। It's an idea whose time has come or will come soon. एक आइडिया है जिसका टाइम आ चुका है या फिर आने वाला है और जल्द आएगा। ठीक है, तो ये चार फील्ड है मशीन लर्निंग की। कोई सवाल इनके बारे में है? सेमी सुपरवाइज, ये तो वही वाली है ना, सेल्फ सुपरवाइज वाली, सेमी सुपरवाइज। आई होप सो। चले मैं सर्च करूंगा, आप भी सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी कह रहे हो, उसमें क्या होता है? अच्छा भाई, इवेल्युएशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल की इवेल्युएशन होती कैसे, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, सारी चीजें, ठीक है ना। हमारे लिए अच्छी बात ये होती है कि हम जब वहां पर पढ़ रहे होते हैं वहां सरसर ही लिखा होता है, लेकिन हम उसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं तो हमें अगले चैप्टर में वो चीज आसान लग रही होती है, मुझे तो लग रही होती है। इन द थ्री एग्जांपल्स, वे बार बार उस थ्री एग्जांपल्स की बात आ रही है। क्या करूं यार, कर लो भाई, घूम फिर के वो थ्री एग्जांपल की बात कर रहा है, फिर थ्री एग्जांपल की बात कर ले, ये सबसे कर ले प्लीज। देखें इंशाल्लाह कहना चाहिए, लेकिन कोई आजकल हम लोग इंशाल्लाह कह रहे होते ना, इसका मतलब होता है मैं तो नहीं करूँ, अल्लाह ही करा दूँ। हाँ वाकई, जब आप कहते हैं काम याद आ गया, हाँ इंशाल्लाह, बस समझ जाओ मेरा तो ज्यादा नहीं। हाँ अब जब मुझे कोई इंशाल्लाह कहता है तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी है जापानी, पाकिस्तानी का मतलब तो जो है ना वो सही ट्रेन हो गया मुझसे। अच्छा भी, इन द थ्री एग्जांपल्स प्रेजेंटेड इन चैप्टर थ्री वी स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन टेस्ट, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट। द रीजन इज नॉट टू इवैल्यूएट द मॉडल ऑन द सेम डेटा दे वर ट्रेन्ड ऑन, क्विकली बिकम एविडेंट। वजह क्या थी, आफ्टर जस्ट अ फ्यू एपॉक्स ऑल द थ्री मॉडल्स बिगेन टू ओवरफिट, that is their performance on the never before seen data started stalling or worsening compared to their performance on the training data which always improves as training progresses। ye pehla samajh mein aa gaya, yes, kisi ko nahi samajh mein aaya to main aahista aahista padhu। ye keh rahe hain ki humne data ko pichli examples ke andar training mein toda, test mein toda, validation mein toda, theek hai, uska reason kya tha, not to evaluate models on the same data They were trained on. उस डेटा पर जिस पर ट्रेन है उस पर इवेल्युएशन नहीं करनी, क्योंकि ये रीजन क्विकली हमारे लिए सबूत बन गया। वजह क्या थी उसकी, सबूत क्या था कि आफ्टर जस्ट अ फ्यू epochs, चंद ही epochs के बाद ऑल थ्री मॉडल्स बिगन टू ओवरफिट, ओवरफिट होना शुरू हो गया, यानी वैलिडेशन एक्यूरेसी और ट्रेनिंग एक्यूरेसी में फर्क आना शुरू हो गया। दिस इज दैट इज देयर परफॉर्मेंस ऑन नेवर बिफोर सीन डेटा स्टार्टेड स्टालिंग। वजह क्या थी उसका कि जो डेटा उसने देखा हुआ नहीं था उसके ऊपर परफॉर्मेंस उसकी क्या होने लगी, खराब होने लगी, गिरने लगी, कंपेयर टू देयर परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग डेटा। अगर उस परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग डेटा पे कंपेयर किया जाए उसके मुकाबले में नेवर बिफोर
seeing data जो है उस पे परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा, which always improves as training progress. अच्छा, in machine learning the goal is to achieve models that generalize. हमें मशीन लर्निंग में ऐसा मॉडल चाहिए होता है जो जनरलाइज हो जाए. क्या हो जाए? जनरलाइज का मतलब क्या होता है? देखिए मैं शुरू से समझा रहा हूं, स्पेसिफिक ना हो जाए, जनरल हो. ठीक है, बार बार अगर एक मॉडल को मोहम्मद अली की तस्वीर दिखाऊंगा तो सिर्फ उसकी नजर में मोहम्मद अली ही एक इंसान होगा, बाकी कोई इंसान नहीं होगा. वो क्या समझने लगे, ये यही बंदा बार बार कह रहे हैं ये एक आदमी है, एक आदमी एक आदमी, इसका मतलब बाकी सारे क्या है, कुछ और है, ऐसे ही ना. तो वो स्पेसिफिक हो जाता है कि आदमी जो है ना सिर्फ इसी किस्म का होता है, यही फीचर होते हैं आदमी, सारे फीचर स्टक हो जाते हैं दिमाग में कि बस यही चीज है. ठीक है, दैट परफॉर्म वेल ऑन नेवर बिफोर सीइंग डेटा. अगर जनरलाइज होगा तो मोहम्मद अली अगर बाल बड़े करके भी आ जाए तब भी मोहम्मद अली ही रहेगा. यार थोड़ा बहुत फीचर में क्या हुई चेंज आया है, लेकिन जनरल तो जो है वो क्या है, ह्यूमन मैन ही. एंड ओवरफिटिंग इज द सेंट्रल ऑब्स्टेकल. ओवरफिटिंग जो है वो सबसे मरकजी जो है वो रुकावट है. यू कैन ओनली कंट्रोल दैट विच यू कैन ऑब्जर्व. आप सिर्फ ओवरफिटिंग को उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं जितनी ओवरफिटिंग आपको नजर आएगी. सो इट्स क्रूशियल टू बी एबल टू रिलायबली मेजर द जनरलाइजेशन पावर ऑफ योर मॉडल. लिहाजा आपको अपने मॉडल की जनरलाइजेशन पावर के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा मॉडल कितना जनरलाइज और कितना नहीं है. The following sections look at strategies of mitigating overfitting. अब अगले जो सेक्शन आने वाले हैं इसके अंदर हमें ये strategies पढ़ेंगे कि overfitting को कैसे mitigate किया जाए, कैसे resolve किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए. In this section we'll focus on how to measure generalization and how to evaluate machine learning models. Generalization को कैसे measure किया जाता है, machine learning models को evaluate कैसे किया जाए, किन parameters पे evaluate करते हैं. तो ये हमने पढ़ा हुआ है ट्रेनिंग वैलिडेशन एंड टेस्ट सेस, सारी वही बातें मैं पढ़ता जाता हूँ, नई बात आएगी तो मैं उसको रुक के समझाने की कोशिश करता हूँ. एवेल्युएटिंग अ मॉडल ऑलवेज बॉयल्स डाउन टू स्प्लिटिंग द अवेलेबल डेटा इनटू थ्री सेट्स. मॉडल एवेल्युएट करना वही तीन सेट्स होने चाहिए, ट्रेनिंग वैलिडेशन एंड टेस्ट. ये तीनों प्रोसेस से गुजरता है तभी मॉडल मॉडल बनता है और पता चलता है कि यार कैसा है. यू ट्रेन ऑन द ट्रेनिंग डेटा एंड एवेल्युएट योर मॉडल वैलिडेशन डेटा. आप ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करते हैं, वैलिडेशन डेटा पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कर लेते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के अलावा. वंस योर मॉडल इज रेडी फॉर प्राइम टाइम. अब आपका मॉडल जो है वो क्या हो गया, प्राइम टाइम के लिए रेडी हो गया. यू टेस्ट इट ऑन द फाइनल टाइम ऑन द टेस्ट डेटा. तो फिर हम उसे टेस्ट डेटा में ले जाते हैं. ऐसे ही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना. मैं यू मे आस्क व्हाई नॉट हैव टू सेट्स. दो सेट्स क्यों नहीं ले रहे हम, अ ट्रेनिंग सेट एंड अ टेस्ट सेट. इसका जवाब हम पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. यू वुड ट्रेन ऑन द ट्रेनिंग डेटा एंड इवैल्यूएट ऑन द टेस्ट डेटा. मच सिंपल, आप ट्रेन डेटा पर ट्रेन करें, टेस्ट डेटा पर टेस्ट ले लें, सादा सी बात है. द रीजन इज दैट डेवलपिंग अ मॉडल ऑलवेज इन्वॉल्व्स ट्यूनिंग इट्स कॉन्फिगरेशन. मॉडल को डेवलपिंग जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसकी ट्यूनिंग. पहले आपने बनाया अच्छा नहीं लगता, ठीक है थोड़ी बहुत चीजें चेंज करी, फिर बनाया फिर कोई भी चीज चेंज करी, हर दफा थोड़ा बहुत चेंज करके जो है पहली बारी में हकी जो है ना वो मॉडल नहीं बन जाता. समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल चूजिंग द नंबर ऑफ लेयर्स और द साइज ऑफ द लेयर्स कॉल्ड हाइपर पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द पैरामीटर्स विच आर द नेटवर्क वेट्स. जो लेयर नेटवर्क का साइज है या लेयर्स है जिनको हाइपर पैरामीटर कहते हैं, ताकि जो उसके अपने पैरामीटर होते हैं उससे उसको अलग पहचाना जा सके, जो कि नेटवर्क के वेट्स होते हैं. यू डू दिस ट्यूनिंग बाय यूजिंग एज अ फीडबैक सिग्नल द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल ऑन द वैलिडेशन डेटा. जो वैलिडेशन डेटा पे परफॉर्मेंस आ जाती है ये हमारा फीडबैक बनता है. हम जाके क्या करते हैं, बैच साइज, लेयर के साइज, लेयर के वेट, साइज विड्थ में और नोड में सारा चेंज कर लेते हैं. इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिंग कहते हैं. एक रिजल्ट आया था सही नहीं आया, मैंने ट्यून किया, बेहतर हुआ या खराब हुआ देखेंगे, फिर मैंने ट्यून किया बेहतर हुआ या खराब हुआ, दिस इज आवर ट्यूनिंग. इन एसेंस दिस ट्यूनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग. ये फॉर्म, ये ट्यूनिंग क्या है, एक्चुअली क्या है, लर्निंग है. हर दफा उसकी लर्निंग बढ़ा रहे. अ सर्च फॉर अ गुड कॉन्फिगरेशन इन सम पैरामीटर स्पेस.
लर्निंग क्या है? सर्च फॉर गुड कॉन्फ़िगरेशन, कि मुझे कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नंबर ऑफ नोड मिल जाए, ऐसे बैच साइज मिल जाए, ऐसा लॉस फंक्शन मिल जाए, ऐसा ऑप्टिमाइजर मिल जाए जिसमें रिजल्ट क्या आ रहा हो, बेस्ट आ गया, वो कॉन्फ़िगरेशन मिल गई मुझे वैलिडेशन में। अब वैलिडेशन कर रहा है, मॉडल लिखा मैंने उसी कॉन्फ़िगरेशन पे, वही डाटा गुजारा और काम लगे, तो वैलिडेशन की वजह से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोज हो जाती है कि कितने इपॉक्स चलाने हैं और कितने नहीं चलाने। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आए तो प्लीज प्लीज हाथ खड़ा करके पूछिए, सर ये बात समझ में नहीं आई। एज अ रिजल्ट द ट्यूनिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉडल बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस ऑन द वैलिडेशन क्विकली रिजल्ट ओवरफिटिंग टू द वैलिडेशन सेट। अच्छा ये क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट ट्यूनिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉडल बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस, उसके नतीजे में के परफॉर्मेंस की बेस पर जो कि वैलिडेशन सेट पर आई है मॉडल को ट्यून करना, सेट क्विकली रिजल्ट इन ओवरफिटिंग टू द वैलिडेशन सेट। क्या हो जाता है, वैलिडेशन सेट में ओवरफिटिंग शुरू हो जाती है इवन थो योर मॉडल इज नेवर डायरेक्टली ट्रेंड ऑन इट। क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, हम बात कर रहे हैं कि हमने डेटा वैलिडेट कराया, ट्रेनिंग हुई, ईपॉक चला, थोड़ी देर के लिए उसने पास किया, वैलिडेशन डेटा उठाया और वैलिडेशन की और दो रिजल्ट दिखाए, ठीक है, दोबारा ट्रेनिंग डेटा गया, दोबारा वैलिडेशन डेटा आया, तो भाई वैलिडेशन डेटा तो पहले भी एक्सपोज हो गया था, बात तो वही हो गई जो टेस्ट डेटा के साथ हो रही थी, वैलिडेशन डेटा तो पहली लाइन में भी एक्सपोज हो गया था, वही वैलिडेशन डेटा पर दोबारा टेस्ट वैलिडेट कर रहे हो उसे, ठीक हो, बिल्कुल न्यू तो नहीं है। तो ये कह रहा है कि बार बार आप ट्यूनिंग करेंगे तो वैलिडेशन डेटा का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, ओवरफिट की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हैं कि आपने इतने ईपॉक्स चला दी, कितनी बार वैलिडेशन आई कि उसके वैलिडेशन के सारे जवाब याद हो गए, ठीक है। इस फिनोमेना को कहते हैं इंफॉर्मेशन लीक। हर दफा जब मैं आपको 10 सवाल दे रहा हूं वैलिडेशन करने के लिए, आप होता है ना क्लास जब यूनिवर्सिटी में वाइवा होता है, कंप्यूटर साइंस में वाइवा तो नहीं होता, होता है, अच्छा, तो जब एक बंदा वाइवा देके बाहर निकलता है पूरी क्लास से पड़ जाता है, पता क्या मुझे क्या मुझे, अब मसला क्या होता है, उससे अगर 10 सवाल पूछे होते ना उसे दो भी याद नहीं होते, होता है ऐसे होता है ना, आप भी पेपर देके आ जाए और मैं कहूँ कौन कौन सवाल आए थे, एक दो याद होंगे ठीक है, लेकिन क्योंकि जब पहली दफा वैलिडेशन हुई, अब सुनिएगा इसको कहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूं, जब पहली दफा वैलिडेशन दिया आपको, ईपॉक चला, वैलिडेशन हुआ, और जब अगली दफा दोबारा टेस्ट देने के लिए गया तो उसे पूरा वैलिडेशन याद नहीं होगा, 10 में से एक ही होगा जो उसे याद होगा, लेकिन एक तो है ना, फिर दूसरा ईपॉक चला तो दो याद हो गए, तीसरा ईपॉक चला तो तीन याद हो गए, चौथा ईपॉक चला चार याद हो गए, 10 ईपॉक चले तो 10 के 10 सवाल याद हो गए। अब अगर आप 10 दफा वाइवा देकर आएंगे तो फिर आप बाहर जाएंगे किसी को बताएंगे सारे सवाल बता देंगे, तो ईपॉक चलते जाते हैं, हर दफा पूरी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो जाती, जितनी दिमाग में रह जाती वो रह जाती है, ठीक है, इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, लीक ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहे, थोड़ी 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 थोड़ी। अब आते हैं इधर, तो एज अ रिजल्ट ट्यूनिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉडल, मॉडल की ट्यूनिंग करी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन वैलिडेशन सेट, वैलिडेशन सेट की परफॉर्मेंस आई उस पर हमने ट्यूनिंग कर ली, क्विकली रिजल्ट इन ओवरफिटिंग टू द वैलिडेशन सेट, तो वैलिडेशन सेट भी क्या होने वाला है, ओवरफिट होने वाला है, इवन थो योर मॉडल इज नेवर डायरेक्टली ट्रेन्ड, जबकि आपका मॉडल उस पर ट्रेन नहीं हुआ था। सेंट्रल टू दिस फिनोमेना इज द नोशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीक। यस, इसीलिए तो ट्रेनिंग डेटा पर हम रिलाय नहीं होते ना, ट्रेनिंग डेटा में तो 100% होता ही है ना, 100% एक्यूरेसी आ जाती है, वो किस वजह से आती है, इसी वजह से आती है कि 50 ईपॉक चला दी तो सारे सब कुछ याद हो गया,
ट्रेन तो हो गया होगा लेकिन सारी चीजें उसे क्या हो गई, याद हो गई, इसीलिए तो हम उसको टेस्ट कर रहे हैं भाई, जरा देख रहे थे याद भी हुआ है या वाकई, जैसे हमारे यहाँ का एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, एक भी सवाल अगर किताब से हटके दे दिया वही मुश्किल सवाल होता है, चाहे वो आसान ही क्यों ना। अच्छा भाई, तो सेंट्रल टू दिस फिनोमिना, इसी फिनोमिना का जो मरकज है वो क्या है, नोशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीक, द आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन लीक। एवरी टाइम यू ट्यून अ हाइपर पैरामीटर ऑफ योर मॉडल, हर दफा जब आप अपने मॉडल का हाइपर पैरामीटर ट्यून करेंगे, यानी कोई अगर हमने लेयर चेंज कर दी, नोड चेंज कर दी, तो क्या होगा, बेस्ड ऑन द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द वैलिडेशन सेट, वैलिडेशन सेट पर मॉडल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आपने ट्यून कर दिया, सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वैलिडेशन डेटा लीक्स इनटू द मॉडल, वैलिडेशन डेटा की कुछ इंफॉर्मेशन मॉडल को क्या हो जाती है, लीक हो जाती है, ठीक है। और इफ यू डू दिस ओनली वंस फॉर वन पैरामीटर देन वेरी फ्यू बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपने एक ही दफा किया ट्यूनिंग तो कुछ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लूज होगी, ठीक है, एंड यूर वैलिडेशन सेट विल रिमेन रिलायबल टू वैलिडेट द मॉडल, अभी आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अब बाहर जाके अगर मोहम्मद अली 10 के 10 सवाल लीक कर दे और बाहर से आने वाला दोबारा वहां वहां बैठे और सारे सवाल सही दे दे, तो मैं क्या बोलूंगा, सब इसको बड़ा अच्छा याद है, नहीं भाई तो सवाल तो लीक होगा, मैं क्या बता, क्या रिलायबल परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो इफ यू डू दिस ओनली वंस वेरी फ्यू एंड योर वैलिडेशन सेट विल रिमेन रिलायबल मॉडल, बट इफ यू रिपीट दिस मेनी टाइम्स रनिंग वन एक्सपेरिमेंट इवेल्युएटिंग ऑन द वैलिडेशन सेट एंड मॉडिफाइंग योर मॉडल एज अ रिजल्ट, देन यू विल लीक एन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैलिडेशन सेट इनटू द मॉडल, एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप विद अ मॉडल दैट परफॉर्म्स आर्टिफिशियली वेल ऑन द वैलिडेशन डेटा। अब आपको ऐसा तो मॉडल मिल जाएगा जो ट्रेनिंग पे तो अच्छा था ही था, वैलिडेशन पे भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो एक्चुअली अच्छा नहीं है, बिकॉज दैट वॉज यू ऑप्टिमाइज्ड फॉर इट, आपने तो उसको ऑप्टिमाइज्ड कर दिया जितना ऑप्टिमाइज कर सकते थे, यू केयर अबाउट परफॉर्मेंस ऑन कंप्लीटली न्यू डेटा, हमारी तो परवाह किस पर है, न्यू डेटा पर, नॉट द वैलिडेशन सेट, सो यू नीड टू यूज अ कंप्लीटली डिफरेंट नेवर बिफोर सीन डेटा सेट टू वैल्यूएट द मॉडल, द डेटा सेट टेस्ट डेटा सेट यूर मॉडल शुड हैव एंड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन haven't should not have access to any information about the test data, aisa test data dena hoga ki usko koi bhi part of information jo hai wo nahi pata ho test set ke bare mein, even indirectly bhi nahi pata hona chahiye, if anything about the model has been tuned based on the test set performance then your measure of generation will be flawed, agar aapne test ki bhi koi information deke aapne train kara diya hai to fir flaw hai, generalization nahi hai wo, flaw hai usme, splitting your data into training validation and test set may seem straightforward but there are a few advanced ways to do it can come in handy with little data is available, thoda data ho to kaam kar sakte hain, let's review this classic evaluation recipes, simple hold out validation jo humne hold out validation ke liye test set alag hai training set alag hai, uske baad k fold validation ye humne piche dekhi thi and iterated k fold validation with shuffling, ek iterated hoti hai ki iteration chalegi har dafa data ko kya kar dega wo shuffle kar dega, theek hai। तो ये जो सिंपल होल्ड आउट वैलिडेशन है इसके अंदर तो क्या होता है, सिर्फ दो ही सेट बनते हैं, ट्रेनिंग सेट और वैलिडेशन, अपना होल्ड आउट वैलिडेशन सेट जिस पर इवैल्यूएशन होनी है, टेस्ट सेट होता है। अच्छा, उसके बाद के फोल्ड, ये आपने पढ़ा हुआ है क्या, का प्रोसीजर सबको मालूम है। उसके बाद आइट्रेटिव होता है, आइट्रेटिव के अंदर जो है वो सिर्फ जो पांच फोल्ड बनाए हैं अब वो पांच दफा चलेंगे, पांच फोल्ड चलेंगे, अब उसके ऊपर भी आइट्रेशन लगा दे तो पांच फोल्ड तीन दफा चलाने तो वो 15 हो जाएंगे एक्चुअली, और सफल भी हो रहे हैं तो रिपीट होने के चांसेस क्या है, हर फोल्ड चल गए, एक फोल्ड चला दो तीन चारों चल गए, तो चारों में एक वैलिडेशन था, तीन ट्रेनिंग थे, फिर ये वैलिडेशन था, ये और ये ट्रेनिंग थे, अब जब अगली आइट्रेशन चलेगी तो पहले वो उसको सफल करेगा और फिर दोबारा से चंक बनाएगा, नए चंक्स बनाएगा, तो चांसेस क्या होते हैं कि डेटा क्या हो गया बहुत ज्यादा मिंगल हो गया, काम चल जाएगा। तो P टाइम्स K मॉडल चलता है, वेयर P इज द नंबर ऑफ आइट्रेशंस यू यूज। अब आपका टास्क क्या है, ये आइट्रेटिव K फोल्ड वैलिडेशन और K फोल्ड वैलिडेशन, मैंने आपको पहली दफा भी एक टास्क दिया था यार,
मैंने कहा था के फोल्ड का जो कोड है वो समझाएंगे आप लोग। कौन आ रहा है? सबसे ज्यादा किसके नंबर आए? पढ़ के आइए के फोल्ड। अच्छा जी, बहरहाल ये के फोल्ड और आइटरेटिव के फोल्ड ये आप लोग और इसको एक्सप्लोर करिएगा। वैसे सिंपल है, ऐसा कोई वो नहीं है और कोड भी लिखा है, जब कभी चाहिए हो यहाँ से कॉपी मारें, नंबर ऑफ के फोल्ड और एड्रेस चेंज करें डेटा, तो आपके पास वही स्लाइसिंग भी हुई। थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पहला पॉइंट पढ़े और फिर आप में से कोई समझाएगा मुझे। डेटा रिप्रेजेंटेटिवनेस सबको नजर आ रहा है या बड़ा कर दूं? और राइट इसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें क्या कह रहा है। राइट, डेटा रिप्रेजेंटेटिव समझ में आई? कौन बता रहा है पीछे से? भाई जो भी समझ में आई, क्या हो गया, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। स्लाइस कर दिया, निकाल लिया। क्या क्या बदलेगा? जैसे 0 से लेके 0 से लेके 7 तक ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेट को बताता है, ट्रेनिंग डेटा को ट्रेनिंग डेटा है और टेस्टिंग सेट है 20% यानी 9 और 8 और 9। सही सही कह रहे हैं, बस ये एक जुमला जो कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे जी। तुम भी कुछ कहना चाह रहे थे? जीरो टू सेवन क्या चीज है? तो आप हवाला देना, वो इमेज का हवाला देना है। तो इन्होंने बात बिल्कुल सही की, तुमसे अगला समझ रहे हैं। नहीं आई तो नहीं आई यार, क्या हो गया? सीखने के लिए आया ना, बताएं जल्दी से। सबको आ गई? चलो फिर मैं पूछता हूँ किसको आ गई। और कोई बताए भाई, डेटा रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब क्या है? आपके डेटा के अंदर हर एक की रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि सबको बराबर चांस मिल रहा है, ठीक है, जितना प्रोबेबिलिटी में होता है। अब जैसे कि ये इस वक्त क्लास की सेटिंग है, अगर हमारा मॉडल जो है वो शहजाद है
और सिद्धार्थ को हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और आप जिस जिस तरतीब में क्लास बैठी हुई है उसी तरतीब में अगर मैं जेंडर क्लासिफिकेशन सिद्धार्थ को सिखाऊंगा और मैं कहूँ स्लाइसिंग करूँ, अगर ठीक है शुरू का जो है ना वो 70% डेटा जो है ना वो किसके लिए हो गया, ट्रेनिंग के लिए हो गया, और बाकी 30% किसके लिए हो गया, टेस्टिंग है। अब ये ट्रेनिंग में जो है ना वो खवातीन भी आ गई, मर्द हजरात भी आ गए, ठीक है ट्रेनिंग हो गई, लेकिन जब टेस्टिंग करने जाऊंगा तो जो टेस्टिंग का डेटा है वो पूरी दोनों पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। या अगर मैं पीछे से ट्रेनिंग शुरू करा दूं और सारी जो गर्ल्स है वो यहां रह जाए, अब टेस्टिंग में जब इसके पास जाएगा ये तो पहचाने नहीं, ठीक है, क्योंकि इस पर ट्रेनिंग नहीं हो। तो आपने डेटा की शफलिंग करनी पड़ती है, इस तरह के डेटा है, शफलिंग जब आप करेंगे तो ये चांसेस होंगे कि हर तरह का ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा में भी हर तरह का मिक्सचर आ जाए और टेस्टिंग डेटा में भी हर तरह का मिक्सचर आ जाए, बाद में आप ये ना बोले सर पेपर आउट, ठीक है, ये तो हमें पढ़ाई नहीं करा। करने चाहिए जिस तरह इन्होंने मिसाल दी इमेजेस वाली, क्या इमेजेस में अगर 0 से 7 तक की 70% डेटा ले लेते उसको सफल नहीं करते तो जो हमारा मॉडल है वो सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे ट्रेन हो जाता, उसे तो पता ही नहीं था 8 भी कोई चीज होती, जब उसको 8 देता बताया क्या होता 2 0 है, क्योंकि ट्रेन नहीं हो ना, तो इसलिए 8 वाली भी कुछ इमेज देनी चाहिए थी, 9 भी देनी चाहिए था, ताकि सब पे ट्रेन हो जाता, बाद में कोई जवाब ना रहा है कि जो ना ये मसला हो गया। तो ये कहता है फॉर दिस रीजन यू यूजुअली शुड रैंडमली शफल योर डेटा बिफोर स्प्लिटिंग इट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स, ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में तोड़ने से पहले आप क्या करें उसको रैंडमली शफल कर लें, एरो ऑफ टाइम, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर गिवन द पास्ट, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं पास्ट की बुनियाद पर, अभी हमने डिस्कशन किया था इसका, मूवी फ्रेम्स की बात थी, या स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, या कोई भी टाइम सीरीज का डेटा है, वेदर, ठीक है, वेदर प्रिडिक्शन है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है ट्रेनिंग करनी है। अच्छा अभी अब होगा क्या, इफ यू आर ट्राइंग टू फ्यूचर के पास फॉर एग्जांपल टुमारोज वेदर स्टॉक मूवमेंट्स एंड सो ऑन, यू शुड नॉट रैंडम शफल योर डेटा बिफोर स्प्लिटिंग, अब आप शफल नहीं करेंगे, क्यों, जब वो सीक्वेंस में चलेगा जब ही तो सही प्रिडिक्ट करेगा ना यार, किस सीजन में किस मौसम में किस डेट को क्या क्या तैयार, उसको भी उठा के शफल कर दिया तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हर दफा शफल भी नहीं चलता, राइट। तो अच्छा इससे टेम्पोरल लीक हो जाता, टेम्पोरल लीक क्या चीज होती है कि आपने शफल किया तो उसके पास ऐसी डे का डाटा आ गया जो आप टेस्टिंग में डालना चाह रहे थे, मतलब मैं जून की प्रिडिक्शन, मेरे पास जो है ना वो जनवरी से लेके अगस्त तक का डाटा, ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसको पहले मैंने क्या करना है ट्रेनिंग में और टेस्ट में तोड़ना है, ठीक है, मैंने जब उसको शफल किया तो थोड़ा डाटा जो है वो अगस्त का, जुलाई और अगस्त फॉर एग्जांपल मेरा क्या होता टेस्टिंग होता, और बाकी जून से लेके ऑनवर्ड जनवरी तक जो है ना वो क्या होता ट्रेनिंग होता, अब मैंने सफल कर लिया तो अगस्त का भी कुछ डेटा कहाँ आ गया ट्रेनिंग के अंदर आ गया, अब जब मैं टेस्ट करने जाऊंगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना, समझ में आ रही बात, अब जब मैं टेस्ट करने जाऊंगा फिर तो प्रॉब्लम होगी, तो ये काम नहीं करेगा, हर दफा सफल जो है वो काम नहीं करेगा। ये कहलाता है टाइम सीरीज या टाइम स्टैम्प का डेटा जो है ना, हाँ, रिडंडेंसी इन योर डेटा, इफ सम डेटा पॉइंट्स इन योर डेटा अपीयर ट्वाइस फेयरली कॉमन इन रियल वर्ल्ड डेटा, रियल वर्ल्ड डेटा में ऐसा होता है डेटा जो रिपीट हो रहा होगा डबल एंट्री होगी, देन शफलिंग द डेटा एंड स्प्लिटिंग इट टू अ ट्रेनिंग सेट एंड रेडी सेट विल रिजल्ट अ रिडंडेंसी बिटवीन ट्रेनिंग एंड रेडी सेट, अगर आपने इस सूरत में शफल कर दिया कि जबकि डेटा आपका मौजूद है तो फिर क्या होगा, एक कॉपी ट्रेनिंग में चली गई एक कॉपी टेस्ट में चली गई, तो आप जब टेस्ट लेंगे वो तो उस पर ट्रेन हुआ पहले,
ठीक है, तो ये भी क्या मसला है, प्रॉब्लम है। तो पहले आपने रिडंडेंसी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर लर्निंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वेक्टराइजेशन करते हैं, याद है सबको? वेक्टराइजेशन कैसे कर रहे थे? वन नॉट इनकोड कर रहे थे या इंटीजर इनकोड कर रहे थे, एक टेक्स्ट को एक इंटीजर अलॉट कर रहे थे तो वेक्टर शक्ल में वो बन जा रहा था, याद है? All inputs and targets in neural network must be tensors of floating point data. क्या होने चाहिए? किसी भी किस्म का इनपुट हो, आवाज का हो, तस्वीर का हो, कुछ भी हो, फाइनली वो न्यूरल नेटवर्क में जाने से पहले क्या होगा? टेंसर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, इंटीजर भी नहीं खाली, फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर होगा। बास केसेस में लिखा हुआ इंटीजर, लेकिन मैंने तो नहीं देखा अभी तक। वट एवर डेटा यू नीड टू प्रोसेस साउंड इमेज टेक्स्ट यू मस्ट फर्स्ट टर्न इन टू टेंसर, अ स्टेप कॉल्ड डेटा वेक्टराइजेशन। ये स्टेप क्या कहलाता है? डेटा वेक्टराइजेशन। For instance, in the two previous text classification examples, we started from text represented as a list of integers, standing sequence of words. याद है? Integers की list हमने बना ली थी, dictionary पूरी उसकी, उसको allocation दे दी थी. And we used one hot encoding to turn them into tensors of plot 32 data. In the examples of classifying digits and predicting house prices, the data already come in vectorized form, so you were able to skip this step. Value normalization. ये हमने तस्वीर वाले केस में किया था। क्या किया था हमने? 0 टू 55 था, 255 से डिवाइड किया तो सारे आंसर 0 और 1 के दरमियान में कन्वर्ट हो गए थे। अच्छा जी, इनको और अच्छी तरह लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन के ये तरीका भी हमें पता है, मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए मिसिंग वैल्यू की जगह जीरो फिल कर देते हैं। जीरो बाय डिफॉल्ट जो है वो मॉडल समझता है कि ये वैल्यू यहां पर नहीं है, एम्प्टी नहीं छोड़ते, राइट। उसको क्या फिल कराना पड़ता है? जीरो फिल कराना पड़ता है। जीरो इज अ साइन ऑफ मिसिंग वैल्यू। तो ये हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, नॉर्मलाइजेशन एंड वेक्टराइजेशन, These are the three pre-processing basic steps. और भी हो सकते हैं लेकिन ये लाजमी करने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ये टॉपिक है फीचर इंजीनियरिंग का, अभी इसको छोड़ रहा हूँ।